हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में डायोड के एप्लीकेशंस देखेंगे कि डायोड को सर्किट में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन है, फॉर द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन, अगर डायोड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में है तो डिटरमाइन करना है VD, VR एंड ID, यानी डायोड वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड ID करंट जो कि डायोड से होके गुजरता है। अभी इसमें हम देखेंगे कि ये जो डायोड है, ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से डायोड का एनोड कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से मतलब ग्राउंड से यहाँ पर कैथोड कनेक्टेड है। तो ये डायोड करंट यहाँ पे ID करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में है। सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। तो अभी हम अगर सर्किट ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सर्किट ड्रॉ करने पे ये प्लस माइनस VD होगा। VD इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.2 किलो ओम। प्लस माइनस VR फाइंड करना है यहाँ पर। यहाँ पे जो बैटरी का टर्मिनल रहेंगे, बैटरी वोल्टेज है 8 वोल्ट, प्लस माइनस 8 वोल्ट, राइट। यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है ID और रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला करंट IR। एक्चुअल में ID एंड IR सेम सेम करंट है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करते हैं VR। VR फाइंड करने के लिए VR देखेंगे तो VR इज इक्वल टू E, टोटल वोल्टेज E माइनस VD, डायोड वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज है 8 वोल्ट माइनस 0.7, डायोड वोल्टेज है तो 7.3, यहाँ पे हमारा VR आ गया। यहाँ पे ID फाइंड करेंगे तो ID इज इक्वल टू IR। IR क्या है? VR अपॉन R, ओम्स लॉ, VR अपॉन R। तो VR की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हुई 7.3 वोल्ट और R की वैल्यू है 2.2 किलो ओम, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने पे 3.32 mA। ये हमारा ID करंट फाइंड हो गया है। तो हमें ये ही तीन वैल्यू फाइंड करनी थी। VD की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन की। ID फाइंड करना था जो कि 3.32 mA है। VR फाइंड करना था जो कि 7.3 वोल्ट है। ये हमारे आंसर्स हैं फ्रेंड्स। इसी सर्किट डायग्राम को हम अब डायोड को रिवर्स लगाएंगे सेम सर्किट में, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर डायोड रिवर्स पोलैरिटी में हो तो VD कितना होगा, VR कितना होगा एंड ID कितना होगा। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। डायोड रिवर्स पोलैरिटी में है, माइनस प्लस बैटरी कनेक्शन, बैटरी ई 8 वोल्ट, बैटरी प्लस माइनस पोलैरिटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रेजिस्टेंस R सेम वैल्यू 2.2 किलो ओम। फाइंड करना है VR, ID फाइंड करना है, सिलिकॉन डायोड है। यहाँ पे जो करंट रेजिस्टेंस के थ्रू होने वाला करंट IR है। इस कंडीशन में जो डायोड रिवर्स पोलैरिटी है, तो रिवर्स पोलैरिटी होने की वजह से करंट का डायरेक्शन है अपोजिट होगा डायोड के एरो के डायरेक्शन। ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ये सर्किट डिजाइन होगा।
ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट रहेगी, ये जो है वी डी प्लस माइनस ई प्लस माइनस 8 वोल्ट, आर है 2.2 किलो ओम प्लस माइनस वी आर। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं वैल्यूज, दिस इज आई आर। सो यहाँ पे देखते हैं कि आई डी इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू 0 एम्पियर, देर इज नो करंट फ्लो बिकॉज यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। तो यहाँ पर ओपन सर्किट होने की वजह से ये जो टर्मिनल है बैटरी का प्लस टर्मिनल है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो बैटरी का माइनस टर्मिनल आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बी डी की पोलैरिटी यहाँ पर प्लस टू माइनस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ई माइनस बी डी माइनस वी आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर E इज इक्वल टू 8 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमें वी डी फाइंड करना है। वी डी फाइंड करना है तो वी डी इज इक्वल टू ई माइनस वी आर मिलेगा। यहाँ पर वी आर क्या है, यहाँ पर वी आर ओपन सर्किट होने की वजह से वी आर में कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं होने की वजह से वी डी की वैल्यू होगी वी डी इज इक्वल टू ई माइनस 0, वी डी इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर 8 वोल्ट डायोड वोल्टेज हो गया, वी डी वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगा वो हो जाएगा 8 वोल्टेज, या आप यहाँ बोल सकते हैं वी डी इज इक्वल टू 8 वोल्ट बिकॉज दिस टर्मिनल दिस पॉइंट और बैटरी का ये प्लस पॉइंट बोथ आर सेम, दैट्स वाई द वी डी इज इक्वल टू 8 वोल्ट। आई डी ऑलरेडी फाइंड किया है जो कि 0, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर है, फॉर द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 2 डिटरमाइन वी डी दिस वी डी वी आर वोल्टेज एंड आई डी डायोड करेंट, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, ये डायोड की सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है, सिलिकॉन डायोड में वी डी होता है 0.7 वोल्ट। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज है आपका 0.5 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हैं आप, जो कि 0.5 वोल्ट है। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज इज लेस देन वी डी, यानी वी डी डायोड वोल्टेज। तो इस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज कम होने की वजह से यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं बन पाएगा इतना कि ताकि जो ड्रेन डायोड करंट ड्रॉ हो सके, यानी सप्लाई वोल्टेज डायोड करंट से कम होने की वजह से डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायोड विल नॉट कंडक्ट इफ supply voltage is less than diode voltage, ठीक। एक ये जो हमारा नोट निकल के आता है यहाँ पे, जो कंडीशन निकल के आती है कि जो सप्लाई वोल्टेज अगर सफिशेंट नहीं है डायोड वोल्टेज से कम है तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं कि क्या होगा। तो सेम सप्लाई वोल्टेज लिया 0.5 वोल्ट, राइट। यहाँ पर डायोड हो जाएगा ओपन, ओपन रहेगा डायोड, वी आर इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो जाएगा,
प्लस माइनस वीडी है, और जो आईडी करंट यहां से जो आईडी करंट फ्लो होगा वो होगा 0 मिली एम्पियर। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब यहां पर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, कोई सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये यहां पर जो हमारा वीआर कनेक्ट है वो 0 वोल्ट रहेगा। यहां पे हम बीडी देखते हैं, बीडी क्या होगा, राइट? तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं कि आईडी इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। अगर कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, ओपन सर्किट है, करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो आईडी इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो आईआर इज इक्वल टू वीआर अपॉन आर, राइट? तो यहां पे वीआर फाइंड करेंगे, वीआर क्या आएगा हमारा वो देखेंगे, तो वीआर इज इक्वल टू आईआर इनटू आर। यहां पे आईडी और आईआर इक्वल है, तो वी आर की वैल्यू 0 × 1.2 kΩ, तो वी आर वैल्यू आ जाएगी 0 वोल्ट। ये हमने वी आर फाइंड किया, यहां पर आई डी फाइंड किया, वी डी फाइंड करेंगे, तो वी डी इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, तो E इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। डायोड जो यहां पे डायोड वोल्टेज आएगा ओपन सर्किट होने के कारण सेम एज सप्लाई वोल्टेज रहेगा। तो यही तीनों वैल्यू हमको यहां पर फाइंड करनी थी। यहां पे ऑपरेटिंग पॉइंट देखेंगे विथ E इज इक्वल टू 0.5। ऑपरेटिंग पॉइंट विथ 0.5 E इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो ये जो एक्सिस रहेगी बीडी डायोड वोल्टेज, डायोड करंट यहां पे 0, इस कंडीशन पे ये जो कंडीशन है 0.7 वोल्ट पे डायोड ट्रिगर करता है, बट यहां पे जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो वीडी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट ही रहा। वीडी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट होने की वजह से डायोड कंडक्ट नहीं किया। यहां पर जो वीडी है डायोड वोल्टेज 0.5 वोल्ट ही रहा, और डायोड को कंडक्ट करने के लिए 0.5 फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं, तो फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा तो डायोड कंडक्ट करता, अदरवाइज डायोड कंडक्ट नहीं करता। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाँ, ये डायोड एप्लीकेशंस है, डायोड एप्लीकेशंस के अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।